नमस्कार प्यारे युवा साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं डाक विभाग में आई हुई बंपर भर्ती की। जी हां, जीडीएस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले अभी से क्लासेज इस खुशखबरी को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबाना, एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। साथियों, भारतीय डाक विभाग नई भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपको बता दूं कि आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर भारतीय डाक विभाग के कर्मचारी यानी कि जीडीएस एम्प्लॉयों को लिया जा रहा है। डाक विभाग से 344 जीडीएस कर्मचारियों की आवश्यकता है आईपीपीबी को, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को। साथियों, आईपीपीबी का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो सुनिए। आईपीपी का ऑल इंडिया 650 जो है बैंकिंग सेक्टर है। उद्देश्य क्या है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, सुनिए। डाक विभाग के 155,015 डाक घरों के माध्यम से पहुंच बनाना, 3,00,000 डाकियों एंड जीडीएस के माध्यम से घर घर सेवाओं का प्रचार प्रसार करना। भारत सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं आती है उनका, योजनाओं का जो प्रचलन होता है, योजनाओं का जो प्रचार प्रसार होता है, योजनाओं का जो लाभ होता है, लाभ दिया जाता है वो आईपीपीबी के द्वारा दिया जाता है। आपको बता दूं कि आईपीपीबी बाकी बैंकों के अलावा अलग बैंक है। यहां पर सारी सुविधाएं आपको मुहैया कराई जाती है। कम ब्याज की दर पर आपको लोन मिलते हैं, एंड यहां पर बालिकाओं के लिए छोटी छोटी नन्नी नन्नी प्यारी प्यारी बालिकाओं के लिए तरह तरह की एफडी वगैरह उनके लिए बहुत सारी इसमें स्कीमें चलती रहती है। वो तो होगा ही, लेकिन आप सुनिए। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी है 344, पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव। अप्लाई डेट ऑनलाइन अप्लाई होगा, केवल 11 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024 है। इसका ध्यान रखना, फॉर्म की फी लगेगी ₹750। एज आयु सीमा 20 वर्ष से 35 वर्ष है। एज की गणना 1/9/2024 से की जाएगी, यानी कि 1/9/2024 तक आपका 20 वर्ष का कंप्लीट ईयर हो जाना चाहिए। साथियों, मिनिमम यहां पर रखा गया है 2 ईयर सर्विस, यानी कि जीडीएस कर्मचारी 2 साल नौकरी कर लेता है, चाहे वो बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक, वही इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा। साथियों, यहां पर इसीलिए 20 वर्ष रखा है। आपको पता होगा जीडीएस कितने वर्ष का लग जाता है नौकरी, 18 वर्ष। जब भी जीडीएस की भर्ती आती है तो मिनिमम एज कितनी रखी जाती है, 18 वर्ष। तो यहां पर इनको पता है कि 18 वर्ष का अगर जीडीएस एम्प्लॉय नौकरी लगता है और 2 साल वो नौकरी कर लेता है तो फिर हो जाएगा वो 20 वर्ष का, और मिनिमम 20 वर्ष ही इन्होंने आयु सीमा रखी है, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। समझ गए होंगे। बहुत सारे एम्प्लॉयों के लिए यह वीडियो मोटिवेशन सिद्ध साबित होगी। जो भी जीडीएस को छोटा पद मान रहा है, जो भी डीमोटिवेट होता है कि जीडीएस एक बहुत कम सैलरी वाला पद है, आज उन सबके गाल पर तमाचा है। पहले आप जीडीएस की नौकरी तो लग जाओ, उसके बाद तो जिंदगी ही जिंदगी बन जाएगी। देखिए, यहां पर जीडीएस एम्प्लॉय अगर 2 साल नौकरी कर चुका है, उनके लिए बल्ले बल्ले हो चुकी है यार, शानदार भर्ती आई है और स्थायी नौकरी है, आईपीपी में ले रहा है डाक विभाग से। क्या मजेदार बात हुई। सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी एग्जाम्स नहीं है, डायरेक्ट ग्रेजुएशन के परसेंटेज से आपकी नौकरी लगेगी। सर्किल वार, राज्य वार अलग अलग कट ऑफ जाएगा, जैसे जीडीएस का भी तो कट ऑफ अलग अलग जाता है, उसी तरह अलग अलग कट ऑफ जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, एक जीडीएस एम्प्लॉय केवल एक ही सर्किल से फॉर्म डाल सकता है, विभिन्न सारे सर्किलों के अंदर फॉर्म नहीं डाल सकता। जिस प्रकार जीडीएस का फॉर्म डलता है, जिस प्रकार जीडीएस का सिलेक्शन प्रोसेस है, सेम यहां इसमें भी वही है। साथियों, आपको बता दूं कि सेम परसेंटेज अगर किसी की है, सुनिए मेरी बात, जैसे कि जीडीएस एम्प्लॉय है, इसने ग्रेजुएशन कर रखा है, इसके है ग्रेजुएशन में मान लिया जाए 80%, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, एग्जाम्पल। दूसरा जीडीएस एम्प्लॉय है, इसके है 80%, अब यहां पर मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा, तो फिर बराबर परसेंटेज में क्या करेंगे, ये फिर डेट ऑफ बर्थ से मैच करेंगे, जिसकी आयु ज्यादा होगी उसको नौकरी दी जाएगी। इन्होंने ये सिलेक्शन प्रोसेस के फॉर्मेट में दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएट रहेगी। जीडीएस की नौकरी वैसे तो 10वीं पास की ही लग जाती है, क्योंकि जीडीएस की क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेशर बच्चे हैं जो जीडीएस का फॉर्म भरे हैं, अभी भी भरे हैं जीडीएस की भर्ती में, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल 10वीं पास किया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अभी मेरी आवाज भी वो सुन रहे होंगे, ग्रेजुएशन आपने कर लिया,
कर लिया ना और आपकी नौकरी लग जाएगी, मान लिया जाए जीडीएस की भर्ती में। अभी 44,228 पदों पर जो भर्ती आई है इसमें नौकरी लग जाने के ठीक 2 साल बाद इसी ऐसी भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर देना, जिंदगी बन जाएगी। ठीक है, तभी तो कहता हूं कि अपने आपको डीमोटिवेट ना समझो और सुनिए मेरी बात। इसमें जो प्रति माह वेतन मिलेगा वो 30,000 रुपये मिलेगा। अब बताओ आप 2 साल मान लिया जाए आप जीडीएस के पद पर कार्य करते हो और वीपीएम की सैलरी 2 साल तक 18,000 रुपये है, होती है हर महीने। 2 साल बाद आपकी डायरेक्ट सैलरी 30,000 रुपये हो जाएगी, वे फिक्स है, आपको डीएवीए कुछ नहीं मिलेगा, ये 30,000 में ही सारा कुछ है। अब दोस्तों सर्किलवार सुनिए, बिहार में 20 पोस्ट पर भर्ती आई है, छत्तीसगढ़ के अंदर 2 वैकेंसीज है, दिल्ली 6, हरियाणा 10 पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश के अंदर 10 वैकेंसी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 4 है, झारखंड के अंदर 14 है, एमपी 20 वैकेंसीज है, महाराष्ट्र के अंदर 19 है, पंजाब के अंदर 10, राजस्थान के अंदर 17 है, उत्तर प्रदेश के अंदर 36 है। एंड इसके अलावा अगर आप सर्किल से हो तो ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, उसको एक बार डाउनलोड कर लेना ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए कि किस सर्किल के अंदर कितनी वैकेंसी है। उस सर्किल में डिवीजन वाइज भी भर्ती है, ठीक है, तो आपको अपने घर के नजदीक जो भी डिवीजन है, जिस प्रकार जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करते हो ना आप लोग, जैसे बिहार से भर्ती है और बिहार में बहुत सारे डिवीजन है, तो किस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो वो आप सब देख लेना, ठीक है। तो मैं समझता हूं दोस्तों ये शानदार भर्ती है उन जीडीएस एम्प्लॉयियों के लिए जो 2 साल की नौकरी कर चुके हैं और आईपीपी कहीं ना कहीं गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उनको सीधी नौकरी दे रहा है, वो भी 30,000 के सैलरी के ऊपर और बिना एग्जाम डायरेक्ट इसमें आपकी नौकरी लगेगी। नोटिफिकेशन देखना और जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड लाइक का बटन तो दबाई दीजिए यारो। थैंक यू, धन्यवाद, ऐसे ही पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो अभी से क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।